हाँ तो भाई लोगों, बोट एंड बोल्ट की तरफ से फिर से उनके दो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और दोनों ही एक नया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई बोट की तरफ से एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो कि 27 को लॉन्च होगा और नाम होगा बोट एडो 311 प्रो। देन सेकंड, यहां पर आप बोल्ट का भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली में ही, जिसका नाम है बोल्ट Y1 जो की पहले लॉन्च हुआ था। अब उसका नया अपग्रेड वर्जन है बोल्ट Y1 गेमिंग नाम करके, जो की ओनली फॉर 1100 के प्राइस में लॉन्च हुआ है और फीचर काफी बढ़िया है। जो बोट का है बोट 311 प्रो, वो आपको मिलता है ओनली 1000 रुपए का, 27 को अवेलेबल रहेगा। एंड बोल्ट का अवेलेबल हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, एंड उसका जो प्राइस है वो 1100 रुपए है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई हमको 100 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन फीचर्स में भी अच्छा खासा डिफरेंस है, तो हमको कौन सा लेना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज सेल में लाइव हुआ है Y1 गेमिंग, लेकिन वो कल शाम को ही सेल में आ गया था, उसका मैंने टेलीग्राम पे लिंक दिया था। जल्द से जाओ भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि जो बिफोर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं वो आपको वहां पर देखने मिलते हैं, जिनकी जो प्राइस होती है वो काफी सस्ती होती है। ये अभी आपको 1100 का मिल रहा है, बाद में आपको 1500 के करीब देखने मिलेगा। तो अब बात करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, डिजाइन दोनों की काफी बढ़िया है, दोनों की ही काफी शानदार डिजाइन है। जो बोट का आपको 311 प्रो मिलता है, एकदम ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलती है, अच्छा खासा डिजाइन आपको मिलता है। एंड जो बोल्ट का है बोल्ट Y1 गेमिंग, उसमें भी आपको डिजाइन काफी अच्छी मिलती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि भाई डिजाइन पसंद आती है गेमिंग वाली, जिसमें कि लाइटें हो, थोड़ा अलग सा डिजाइन हो, थोड़ा ब्रॉड सा लुक हो, वो आपको बोल्ट में देखने मिलता है। अब आपको लाइटें नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा लुक चाहिए, तो आपको बोल्ट में मिल जाएगा। बाकी आपको लाइट्स वगैरह चाहिए, RGB वगैरह चाहिए, एक अच्छा खासा लुक चाहिए, बिल्कुल गेमिंग वाइब देता हो, तो भाई आपको बोल्ट में वो देखने मिलेगा। दोनों में मल्टीपल कलर चॉइस होगी, जो कि आपको पसंद आ रहा है वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं। अगर मैं साउंड सेक्शन की बात करता हूं, देखो भाई बोल्ट में अभी ड्राइवर साइज मेंशन नहीं हुआ है कि भाई ड्राइवर साइज कितने एमएम का मिलेगा, लेकिन बजट प्राइस के जो भी प्रोडक्ट आते हैं बोट के, उनमें आपको 10 mm का ड्राइवर्स मिलता है। तो यहां पर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 mm के ड्राइवर्स मिलेंगे, साथ में बोट का सिग्नेचर साउंड मिल जाएगा। बोट का जो साउंड है वो काफी अच्छा होता है, आपको खुद को पता है, बोट में काफी अच्छा साउंड मिल जाता है। सेकंड, जो बोल्ट का Y1 गेमिंग है उसमें भी आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, एंड वहां पर भी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया मिल जाती है। तो दोनों में आपको सेम साइज के ड्राइवर्स मिलते हैं, फिटिंग वगैरह अच्छी मिल जाएगी, एंड साउंड की क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जो मेन चेंजेस है ना, वो अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर कूलिंग में आपको बोट के अंदर मिलता है ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन, क्वाड माइक नहीं मिल रहे, ड्यूअल माइक मिल रहे, यानी कि पर बर्ड पर एक सिंगल माइक है, दोनों को मिला के 2 माइक है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी कॉलिंग आपको मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी कॉलिंग में, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी कॉलिंग आपको देखने मिल जाएगी। लेकिन जो बोल्ट Y1 गेमिंग है उसमें आपको क्वाड माइक मिल रहे हैं, यानी कि पर बर्ड पर आपको 2 माइक, दोनों को मिला के 4 माइक मिल रहे हैं, और वहां पर जो कॉलिंग होगी वो बोट से बेटर आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पर नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो माइक लगे हैं वो 4 माइक लगे हैं, बोट में 2 ही माइक आपको देखने मिलता है। तो बेस्ट जो कॉलिंग होगी वो बोल्ट में आपको मिलेगी। सेकंड, यहाँ पर जो गेमिंग है वहां पर भी डिफरेंस है। जो बोट है उसमें आपको 50 ms की लेटेंसी मिलती है, एंड जो बोल्ट Y1 गेमिंग है उसमें आपको 40 ms की लेटेंसी मिलती है। जितना कम लेटेंसी होगी उतना बेटर गेमिंग आपको मिलता है। तो यहाँ पर बोल्ट में जो गेमिंग क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों में चीजें काफी बढ़िया मिल रही है, लेकिन हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो कंपेरिजन के बेस पे बोल्ट में आपको चीजें काफी बढ़िया मिल रही है। देन कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई दोनों में आपको यहाँ पर भी डिफरेंस मिलता है। बोट में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, 10 से 15 मीटर वायरलेस रेंज है, टच कंट्रोल बर्ड्स है, गूगल असिस्टेंट सीरी है। लेकिन जो बोल्ट Y1 गेमिंग है उसमें आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, एंड वहां पर आपको 15 मीटर की वायरलेस रेंज मिल जाएगी, टच कंट्रोल बर्ड्स, गूगल असिस्टेंट सीरी, एवरीथिंग दोनों में आप यूज कर पाओगे। बस ब्लूटूथ वर्जन में 5.3 और 5.4 का आपको डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। देन अगर मैं बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, तो भाई यहाँ पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको 50-50 हर्ट्ज का बैकअप मिलता है, 50-50 घंटे का सिंगल चार्जिंग के बाद में विद केस एंड विद बर्ड्स आपको 50 हर्ट्ज का बैकअप मिलता है। दोनों ही टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है, एंड दोनों ही फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। सिंगल बर्ड्स में अप्रोक्स 8 घंटे का बैकअप आप मान के चल सकते हो, डिपेंड योर यूजर्स की आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। अब आती है मेन कंक्लूजन की बात, की भाई हमको बेस्ट कौन सा है और कौन सा हमको लेना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा बोल्ट की तरफ जाओ, बोल्ट Y1 गेमिंग की तरफ, क्योंकि वहां पर आपको देखो एक बेटर कूलिंग क्वालिटी मिलेगी और एक बेटर आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि फास्ट होगी, और एक बेटर गेमिंग भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका मेन मोटिव है ओनली फॉर साउंड क्वालिटी, आपको ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कूलिंग नहीं चाहिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर गेमिंग नहीं चाहिए, आपको मेन जो चीज चाहिए वो है साउंड क्वालिटी, तो फिर आप बोट की तरफ भी जा सकते हो। वहां पर 100 रुपए कम की प्राइस में आपको बोट भी काफी अच्छा फीचर दे देगा। लेकिन ऑलराउंडर चाहिए जिसमें सारी चीजें बढ़िया हो, तो फिर आप बोल्ट की तरफ जाओ, वहां पर आपको सारी एकदम सिक्वेंस काफी बढ़िया मिल जाता है। तो मे भी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, फिर भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, आप उसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।